सो वी वर डूइंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस, जहां पर एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को क्या करेगा, या एक एटम जो है वो दूसरे एटम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा. ओके, सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट. एंड इन दिस वी विल बी स्टडीइंग फॉर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, यानी कि हम हैलोजन्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द हाइड्रोजन. सो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ओके. हैलोजिनेशन क्लोरीनेशन हो गई, ब्रोमिनेशन, यही हमारे हैलोजन्स हैं. क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है. ओके, सो दीज आर द फोर हैलोजन्स दैट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट with the hydrogen atom. Okay, now the reaction, it is basically done in the presence of halogen. Again, along with it, you will be using some of the agents. Kyunki reactions normally hamari heat se hoti hai, light se hoti hai. Okay, so halogenation of alkane, it proceeds either via photo. Photo means light. Okay, so is reaction ko hum kya keh dete hain, photochemical reaction bhi keh dete hain. Or either you can use the other source like heat. You can heat this to 520 to 670 Kelvin. So, dono way se jisse marzi aap ye reaction jo hai wo proceed karwa sakte. But simply if you are taking halogen, to wo nahi aayega kyunki uski activation energy jo hai wo utni nahi milegi pehle usko. Aapko kuch na kuch bahar se ek source chahiye aapko heat ka, taki aap kya kar sako us reaction ko initiate karwa sako. Now, since I have used the word initiation, initiation का मतलब क्या है कि ये free radical mechanism से जाएगी. तो free radical के लिए आपको पहले free radical generate करवाना पड़ता है. Okay, so that's why we need some source of light either or some source of heat in order to initiate this reaction. ठीक है, जैसे ही reaction initiate हो जाएगी वो अपने आप free radical से क्या हो जाएगी, proceed हो जाएगी. But we will not be doing the mechanism of this. ठीक है, हम simply इसकी reaction study करेंगे. एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इनमें से कौन से हैलोजन जो है वो जल्दी रिएक्ट करेंगे, yes. किस हैलोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और किस हैलोजन की रिएक्टिविटी लीस्ट होगी. रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम बात करें तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्योंकि आपको पता है नीचे आते आते रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है. ओके, सो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट अबाउट द क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीनेशन जो है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन बहुत इजीली प्रोसीड हो जाती हैं, बट फॉर द क्लोरीनेशन एंड फॉर द आयोडीनेशन इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं. ओके, तो पहले हम ये दोनों डिस्कस करते हैं विच आर क्वाइट सिंपल, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन. तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग क्लोरीन विद सम हाइड्रोजन एटम. ओके, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं मीथेन की और उसमें हम ऐड करते हैं क्लोरीन. ओके, इसको थोड़ा सा इरेज यहां से ताकि हमारे चारों के चारों रिएक्शन जो है वो आ जाए. So this is chlorination. We will be taking the simplest alkane, that is methane. And again, I have told you that you have to proceed this reaction in the presence of either light or either heat. Heat कब तक करना है आपने, 520 to 670 Kelvin तक आपने heat करना है. Now what will happen here, this hydrogen, it will get substituted with some chlorine and HCl will be released. Okay, this is the first step and this is called chloromethane. इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोमीथेन कहते हैं. नाउ दिस क्लोरोमीथेन इट विल अगेन रिएक्ट विद क्लोरीन मॉलिक्यूल, फिर से होगी. मैंने बताया ना आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो ये रिएक्शंस जो है वो आगे की आगे प्रोसीड होती जाएंगी. ओके, सो अगेन वी विल बी हीटिंग इट. सो यहाँ पर अगेन जो आपका एक एच है दैट विल बी रिप्लेस्ड, सो यू विल बी गेटिंग CH2Cl2 प्लस HCl. पहले सिंगल क्लोरीन था तो क्लोरोमीथेन लिखा है, अब दो क्लोरीन हो गए हैं तो डेट विल बी डाई क्लोरो मीथेन.
अगेन फॉर द थर्ड प्रोसीडिंग, जब तक आपके हाइड्रोजन सारे के सारे जो हैं वो नहीं रिप्लेस होंगे तब तक ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी. अगेन आई एम यूजिंग द लाइट एच न्यू और ही जो भी आपने यूज करना है. नाउ वी विल बी रिप्लेसिंग द थर्ड हाइड्रोजन. सो डाइक्लोरो के बाद ये बनेगा ट्राइक्लोरो मीथेन. ओके एंड फॉर द लास्ट रिएक्शन, अब जो आपका लास्ट वाला हाइड्रोजन है दैट विल आल्सो गेट सब्स्टिट्यूटेड. सो यू विल बी गेटिंग CCl4 प्लस HCl. नाउ यू ऑल नो CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो 9th 10th से, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और आइदर यू कैन राइट डाउन एज टेट्राक्लोरोमीथेन. ओके सो दिस इज द क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन. इट विल प्रोसीड इन द सेम वे, जैसे आपने क्लोरीनेशन प्रोसीड करवाई है वैसे ही ब्रोमिनेशन जो है वो भी प्रोसीड होगी. ओके यहाँ पर आपने सिंपली Br2 लिख देना है, यहाँ पर भी Br आ जाएगा, वहां पर भी HBr निकल जाएगा एंड द रिएक्शन इज सेम. Is that clear? हाँ जी बेटा, yes no? Okay. Right? तो simple थी बिल्कुल. हमने hydrogen को replace कर दिया है with the chlorine और with some any of the halogen, either chlorine or either bromine. Okay? Shall I move to the next reaction now? Shall I move to the next one? Now, since I told you that the reaction of iodine with halogens, with alkanes and fluorine with the alkanes, that is bit complex. ठीक है? Complex in the sense क्या है कि अगर मैं iodination proceed करवाती हूँ, तो iodination की जो reaction है, that is actually reversible. Reversible का मतलब क्या है कि जैसे ही products form होंगे वैसे ही वो दोबारा कंबाइन करके दोबारा आपको रिएक्टेंट देते हैं. ठीक है? बट ये चीज हमने क्लोरीनेशन में और ब्रोमिनेशन में नहीं पढ़ी है. ओके तो व्हाट यू विल डू इन दिस रिएक्शन नाउ, सपोज आई एम हैविंग एनी एल्केन, CH4 है, इसमें मैंने आयोडीन ऐड कर दिया, आयोडीनेशन है, तो आई विल बी एडिंग द आयोडीन. नाउ यू कैन सी आई हैव मार्क्ड हियर द एरोस, डबल हेडेड एरोस दोनों तरफ मैंने ऐड किए हैं. ठीक है? That shows the reaction is actually reversible. Product same बनने हैं आपके, एक आयोडीन बन जाना है. ओके हाइड्रोजन की जगह एक जो आपको आयोडीन ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड एच आई विल बी रिलीज इन दिस प्रोसेस. नाउ वट वी विल डू फॉर दिस, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं चाहिए मुझे, मुझे एक तरफ रिएक्शन चाहिए. आई नीड दिस रिएक्शन फॉर द फॉरवर्ड साइड ओनली, कि इसी साइड जो प्रोडक्ट साइड जो है वो रिएक्शन प्रोसीड हो. ओके Now, what is creating trouble in this reaction is HI. HI is actually a very strong reducing agent. HI जो है वो बहुत ज्यादा strong reducing agent है. उसकी क्या tendency है? Reducing agent का मतलब क्या है? That it will bring the oxidation. ठीक है, removal of hydrogen करके ये hydrogen इसको वापस दे देगा और खुद again I2 बना देगा. अब इसकी ये टेंडेंसी है कि ये दोबारा जो उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुई है, ये हाइड्रोजन इसको दे के अगेन इट विल कंबाइन विद आयोडीन एंड दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अगेन. राइट? सो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ HI दैट मेक्स दिस रिएक्शन रिवर्सिबल. एक्चुअली ये रिएक्शन को क्या बनाती है? रिवर्सिबल बनाती है. बट अब मैंने इसको क्या करना है? रिमूव करना है. मैंने इसकी जो टेंडेंसी है उसको खत्म करना है कि ये रिएक्शन जो है वो मुझे एक तरफ ही मिले. आई वॉन्ट दिस रिएक्शन इन दी फॉरवर्ड साइड ओनली, कि मेरे पास जब ये दोनों रिएक्ट करें तो सिर्फ मुझे प्रोडक्ट दे दैट इज CH3I एंड HI. ठीक है? दैट इज आयोडोमीथेन दे और HI दे मुझे. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल एड सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एड करेंगे. राइट? जो क्या करेंगे, इस HI को रिड्यूस कर देंगे टू आयोडीन. ओके सो सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यू कैन प्रेफर इज नाइट्रिक एसिड, HNO3 ले सकते हो आप और HIO3. ओके दिस इज आयोडिक एसिड एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड.
So these can be some of your oxidizing agents that will bring about the reduction of this HI. और उससे क्या होगा, ये जो एच आई है डेट विल बी रिड्यूस्ड टू आयोडीन ओनली. तो अब क्या होगा, दिस एच आई इट विल रिएक्ट विद एच एन ओ थ्री, एनी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू कैन प्रेफर, ओके, डेट विल गिव यू आयोडीन एंड वॉटर. तो जब आपने इस रिएक्शन में ये नाइट्रिक एसिड डाला होगा, डेट इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो आपकी रिएक्शन है सिर्फ वो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेगी. द रिएक्शन इट विल ओनली प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? तो ये आयोडिनेशन की प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्टली जो आयोडिनेशन है वो हमारी सिंपल नहीं है जैसे क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन. ओके, रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड उस रिवर्सिबल रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो एड करने पड़े. ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? इज दिस क्लियर? राइट, कमिंग टू द लास्ट वन नाउ, दैट इज क्लोरीनेशन. अगेन क्लोरीनेशन भी जो है वो एग्जैक्टली आप सेम नहीं करोगे. नाउ क्लोरीनेशन रिएक्शन इज टर्म्ड बाय सम नेमिंग रिएक्शन, जैसे आपने लास्ट टाइम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की थी, सेबेस्टियस एंड्रेंस रिएक्शन, वैसे ही जो क्लोरीनेशन की रिएक्शन है उसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, एंड यू विल बी यूजिंग दिस इन योर नेक्स्ट क्लास. तो ये सारी रिएक्शन जो नेमिंग वाली है ना, ये तो बेसिकली आप आगे सारी यूज करोगे. ओके, सो इस रिएक्शन को हमने भूलना नहीं है अगेन, राइट? अब फ्लोरीन जो है मैंने पहले ही आपको बताया है डेट इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन. ओके, तो रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करेगा, ये सीसी बॉन्ड को भी तोड़ देगा अलोंग विद सीएच बॉन्ड. नाउ इसकी ये लिमिटेशन है, फ्लोरीन बीइंग हाईली रिएक्टिव इट विल लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑल्सो अलोंग विद द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो हमारे पास डेट मीन्स एग्जैक्टली फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए. कार्बन के साथ एक हैलोजन जो है वो हमें अटैच्ड चाहिए. ओके, दैट विल नॉट बी देयर. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इट इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द अदर सब्सटेंसेस. ओके, तो हम ये रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में प्रोसीड करवाएंगे, एच जी एफ टू, दैट इज मर्क्यूरिक फ्लोराइड. तो यानी कि ये हमें रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड वे में करवानी पड़ेगी. ओके, वी हैव टू डू दिस रिएक्शन इन अ वेरी वेरी कंट्रोल्ड वे, ताकि हमारा जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है बस वो ब्रेक हो इंस्टेड ऑफ कार्बन कार्बन का. ओके, सो हियर द मर्क्यूरिक फ्लोराइड दैट वी आर यूजिंग इट विल डू द रिएक्शन इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे, सो दैट ओनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज ब्रेक. राइट, तो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, एंड हियर ऑल्सो आई एम नॉट टेकिंग एनी हैलोजन. ये भी एक चीज है कि मैं ये रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली, सॉरी नॉट हैलोजन, मैं ये डायरेक्टली रिएक्शन जो है वो एल्केन से नहीं स्टार्ट कर रही. आई एम नॉट स्टार्टिंग दिस रिएक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द एल्केन. पहले मैंने उसको कन्वर्ट किया आइडो डेरिवेटिव में, दैट इज एक्चुअली द आइडो इथेन हियर. समझ आई बात आपको? आई एम नॉट प्रोसीडिंग दिस रिएक्शन डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है उसने मेरा कार्बन कार्बन बॉन्ड भी जो है वो ब्रेक कर देना है, बिकॉज इट इज सो स्ट्रॉन्ग. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो आइडो डेरिवेटिव है वो कन्वर्ट करेंगे, जो भी मैंने एल्केन लिया है, वट एवर एल्केन आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू द फ्लोरो डेरिवेटिव, आई विल बी फर्स्टली कन्वर्टिंग दैट इन टू द आइडो डेरिवेटिव. तो यहाँ पर मैंने आइडो इथेन ले लिया है. अब इस आइडो इथेन की आपने रिएक्शन करनी है विद द मर्क्यूरिक फ्लोराइड, दैट इज HgF2. अगेन अ न्यू ट्विस्ट इन दिस रिएक्शन. ठीक है, तो आयोडिनेशन में रिएक्शन रिवर्सिबल थी, फ्लोरिनेशन में रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तो इसीलिए हम रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोसीड नहीं करवा सकते. राइट, नाउ व्हाट यू विल गेट, सिंपली हैलोजन्स एक्सचेंज हो जाएंगे अब आपके, सो यू विल बी गेटिंग दिस. ठीक है, आयोडीन की जगह आपका फ्लोरीन अटैच हो जाएगा, और जहां पर फ्लोरीन है वहां पर आयोडीन अटैच.
ओके सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्लोरिनेशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन. इज दिस क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया ये? एनी डाउट इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं. सब्स्टिट्यूशन हमने की है पहले क्लोरीनेशन के साथ. क्लोरीनेशन और हैलोजिनेशन की सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई है. एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन सिंपल है, बट फॉर द आयोडिनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करो. ओके, एंड फॉर द फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीनेशन के लिए फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इट्स आइडो डेरिवेटिव. तो आइडो इथेन, आइडो मिथेन, ठीक है, इनसे हम स्टार्ट करेंगे एंड देन यू विल बी गेटिंग योर प्रोडक्ट. राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज नाइट्रेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट इज नाइट्रेशन. अगेन इस रिएक्शन की भी कुछ लिमिटेशन है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों की, ठीक है, दैट इज बोथ फॉर द नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन. हम जो लोअर डेरिवेटिव्स हैं उनसे स्टार्ट नहीं कर सकते एल्केन्स के. नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शंस दे कांट बी इनिशिएटेड और दे कांट बी डन फॉर द लोअर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, यानी कि छोटे मेंबर्स जो हैं वो एल्केन्स हैं, हम उनसे स्टार्ट नहीं कर सकते. रीजन भी, यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, तो इसीलिए हम जो है वो लोअर मेंबर से स्टार्ट नहीं करते. एंड आई विल बी स्टार्टिंग दिस रिएक्शन फ्रॉम हेक्सेन. ओके, सो दिस इज हेक्सेन, तो हायर मेंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे. अब रिएक्शन इट विल प्रोसीड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, क्योंकि हमने नाइट्रेशन करनी है, तो सिंपली आपने कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट कराना है, NO2. जैसे वहां पर क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो थे, ClFBr, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम NO2 ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट करवाएंगे. इसमें से HNO3 को अगर मैं ब्रेक करूं, एक बन जाएगा मेरा NO2 और एक जो है वो HRO रिलीज हो जाएगा, ठीक है, यहां से एक H बाहर आ जाएगा, ठीक है, सो दैट विल बी H2O. हाँ जी, दैट विल बी H2O, राइट. तो बाकी चीज क्या बच गई हमारी, बाकी जो प्रोडक्ट है मैं वो यहाँ पे लिखने लगी हूँ, CH3, CH2, दिस इज 4 टाइम्स CH2 एंड NO. ओके, सो दिस इज द नाइट्रेशन प्रोडक्ट. अलॉन्ग विद दिस यू विल गेट वॉटर जो आपने रिमूव किया हुआ. ओके, अलॉन्ग विद दिस यू विल गेट द वॉटर. Is that clear? हाँ जी, ठीक है बेटा. So this is all about the nitration of alkanes where we are substituting NO2 group with the hydrogen group. Similarly, nitration के साथ साथ हम reaction करेंगे sulfonation की. जैसे आपने ये की है वैसे ही आपकी sulfonation reaction proceed होगी, same ways है. So that is sulfonation of alkanes. Okay, sulfonation में क्या होगा, you will be substituting hydrogen with the sulfonic acid or sulfonic group, that is SO3H. Okay, that is the sulfonic acid group. SO3H के साथ हम इसको क्या करेंगे, replace करेंगे. ओके, नाउ अगेन सेम है कि हम यहाँ पर थोड़े से हायर डेरिवेटिव्स ही प्रेफर करेंगे. अगेन रीजन बीइंग कि अगर आप लोअर मेंबर्स पे जाओगे तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी जो हमें नहीं चाहिए, वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं. हमें अपना मेन प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसके साथ जो है इट गिव राइज टू मेनी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स दैट वी डोंट वांट एक्चुअली, ठीक है. तो अगर आप लोअर एल्केन्स के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड करवाओगे, यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स आल्सो.
Now this reaction it proceeds in the presence of sulfuric acid and sulfur trioxide, जिसको आप ओलम भी कहते हैं. सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ओलम. ओके, तो सेम है जैसे आपने पहले रिएक्शन प्रोसीड करवाई है. CH3CH2 फोर टाइम्स, अगेन हियर वी विल बी गेटिंग CH2, एक एच यहां से जाएगा और वाटर जो है वो यहां से एलिमिनेट होगा. एंड हियर यू विल बी गेटिंग SO3H ग्रुप एंड अगेन H2SO4 को हमने ब्रेक करना है SO3 में. एक ऑक्सीजन बचा है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन बचा है यहाँ पर. ये मैंने SO3H ग्रुप जो है वो अकेला कर लिया पहले H2SO4 में से, जिससे मैंने सब्सटीट्यूट करना है SO3H. आई एम लेफ्ट विद O अगेन एंड H अगेन. तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव करना है, दैट विल गिव यू H2O. ठीक है, तो यहाँ पर आपका वाटर निकल जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है दैट विल बी सब्सटीट्यूटेड हियर इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. इज दैट क्लियर? हाँ जी, ठीक है बेटा. एनी डाउट टू एनी वन यू कैन आस्क. राइट, सो नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस आफ्टर सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन के बाद अब जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं दैट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और ये आप 10th में भी पढ़ के आए हो कि व्हेनेवर वी आर हैविंग कार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स है, कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो जब भी हम उनकी ऑक्सीडेशन करेंगे यू विल ऑलवेज गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द बाय प्रोडक्ट्स. ओके, सो देयर इज सिंपल और जनरल फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2. Whenever we are going to do their oxidation, ठीक है, oxidation means combustion कर रहे हैं हम, उनको heat कर रहे हैं. ओके, सो हीटिंग में क्या मिलेगा आपको, यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस. ठीक है, सो दैट इज द जनरल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन. And we are assuming here that oxygen is available in excess. ठीक है, अगर oxygen excess में available है only then it gives rise to the formation of carbon dioxide. Otherwise carbon monoxide will be formed in this reaction. Right? So let's do one of the simple example of methane. Methane में हमने oxygen add कर दी है. Okay? Now what you will get? You will get carbon dioxide and water. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द एन वैल्यूज, यहाँ पर एन वन है तो यहाँ पर वन पुट करोगे. ओके, सो यू विल बी गेटिंग 4/2 is 2. एन इज वन तो यहाँ पर 1+1. ठीक है, तो रिएक्शन को आप इमीडिएटली ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो. नाउ डू द सेम रिएक्शन फॉर ब्यूटेन C4H10 एंड गिव मी द आंसर विद द बैलेंसिंग पार्ट. Yes, beta. For the butane, you have to give the balancing part, complete reaction and balancing part. हाँ जी, बी क्विक बेटा. So there is no need to convert that into points. Okay, we can simply write down here 13/2.
right? So you will be getting 4 carbon dioxide and 5 water, right? And here is 4. So हम यहाँ पे 4 के लिए substitute करेंगे. 4 3 जा 12 plus 1 13. तो 13 by 2 आ जाएगा. Okay? And there you will get 3, not 4. 4 आएगा यहाँ पर और 4 plus 1 5. Okay? तो इतना सा काम था. Now you all know that alkanes, they are actually basically we get from that from the petroleum refining. ठीक है, petroleum refining से आपको ये जो derivatives हैं वो मिलते हैं. And one of the commonly used alkane that we used is LPG, that is a cooking gas where we use a mixture of propane and butane. ठीक है, तो LPG में हम propane और butane का mixture use करते हैं. So next is incomplete oxidation. Incomplete oxidation, you all know, if we do the incomplete oxidations of the methane, insufficient कह लो oxygen जो है या limited oxygen हमने उसको supply की हुई है, ठीक है, that is not getting the excess of oxygen, right? So you will be getting carbon monoxide and water. So these are the byproducts. Again, we will do the balancing in this way. So simply आपने इसकी balancing कर लेनी है. Okay? So this is all about the combustion or the oxidation reactions that you know from your last class also, from your previous class also. कि जब भी हम hydrocarbons को burn करते हैं in the presence of oxygen, okay? So either the incomplete oxygen or either the complete oxygen. तो अगर आप उसको sufficient oxygen दे रहे हो, okay, excess में oxygen provide कर रहे हो, you will be getting carbon dioxide and water. And if there is insufficient oxygen, you will be getting carbon monoxide as the byproduct instead of carbon dioxide. Okay. And suppose if this oxygen is not limited, yani ki jitni honi chahiye usse bhi agar kam hai, okay, limited se bhi kam hai, so then again you will be getting only here carbon. Aapko carbon milega again and along with the water. Okay, so we have to see whether we are proceeding this reaction in the presence of oxygen, theek hai, in the sufficient presence of oxygen or in the deficiency of oxygen. Right?